सदा सलाम अलैह बुलंतर सलावा मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंद से बुलंतर सलावा हमारे तुमने बहुत बड़ी दुआ है घर के जो हम मांगने के लिए आए हैं हमारी मिल्लत हुसैनिया मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान कराची में इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम की मुबारक तामीर करवाना चाहते हैं। मौलवी से दुआ है कि मालिक जल्द अज जल्द आपकी जितनी हमदर्दी का हमें शर्फ हासिल हो और जिसके बानी हमारे इंतहाई वाजिब अल एहतराम मज़हब हक्का की बहुत बड़ी शख्सियत किबला शहनशाह हुसैन नकवी साहब और इज़्ज़त माँ बुजुर्गवार आशिक हुसैन साहब और मंजूर हुसैन साहब और आपके तमाम जितने भी अहले खाना और तमाम संगत की ये ज़ेरे तमाम है। मेरे मालिक दुआ है कि आपकी ये तौफीकात खैर में मालिक अज़ाफ़े अता हो और इसी तरह मौला की बारगाह में मैं नाचीज़ की आरज़ू है मौला की इज़्ज़त का सदका मेरी घर सतियाना बंगला फैसलाबाद में मजलिस तो अज़ादारी तो होती है लेकिन मस्जिद और इमाम बारगाह नहीं है। मालिक जहाँ पे जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद हो तो मालिक तमाम दुआओं की मुस्तजाबी के लिए मिलकर सलावात बार मोहम्मद सैयदा हो चुके हैं तो चंद लफ्ज बार गए पाक सैयदा में सजदा करना चाहते हैं। मौला के हुजूर पाक इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम सजदा करना चाहते हैं तो मैं हदिया सबक जनाब पाक मखदूमा के पाक जिक्र में करना चाहता हूँ। तो मैं करता हूँ किस्मत की वो मलका है तहारत की अमी है उस बयान करने के लिए या अल्लाह होना जरूरी है या मुस्तफा होना हमारी जुबान में वो तासीर नहीं है ताकत नहीं है हमारी बिसात नहीं है कि हम जनाब सैयदा का तज़किरा कर सकें। बस जो उनके दर से खैरात मिली है वो आप लोगों को हदिया करना चाहता हूँ। किस्मत की वो मलका है तहारत की अमी है किस्मत की वो मलका है तहारत की अमी है हैदर की हरम पाक रिसालत की जबी है। मेहरबानी जनाब बहुत शुक्रिया। किस्मत की वो मलका है तहारत की अमी है हैदर की हरम पाक रिसालत की जबी है मादर है जो हसनैन की तदहीर की वारस जी मादर जो हसनैन की है तदहीर की वारस सानी कोई कौनैन में जहरा सा नहीं है। और मौला की कसम खड़ा हूँ और हो सके तो दुआ दीजिएगा मेरी जिंदगी में इससे बड़ा शेर नहीं आ सकता। मुझे मालकों ने जो खैरात अदा फरमाई है ना कि यजीद से बड़ा भी एक लानती है अगर पहली बार सुना हो तो मुझे दुआ है। तो मैं किस्मत की वो मलका है तहारत की अमी है हैदर की हरम पाक रिसालत की जबी है मादर है जो हसनैन की तत्हीर की वारस सानी कोई कौनैन में जहरा का नहीं है और खबीस फिक्र का हामल यजीद लानती है। मौला की कसम मंदर भाई मेरी जिंदगी में इससे बड़ा शेर नहीं है खड़ा हूँ खबीस फिक्र का हामल यजीद लानती है खबीस फिक्र का हामिल यजीद लानती है और जनाबे जहरा का दुश्मन मजीद लानती है। Zahra, 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 Zah
بھارت کی امی ہے، حیدر کی حرم پاک رسالت کی جبی ہے، مادر ہے جو حسنین کی تطہیر کی وارث، ثانی کونین میں کوئی زہرا کا نہیں ہے، اور خبیث فکر کا حامل یزید لانتی ہے، جناب زہرا کا دشمن مزید لانتی ہے، اور ظہیر آل محمد پہ جو بھی پہنکے گا، ظہیر آل محمد پہ جو بھی پہنکے گا وہ بھی تو منافق پلیت لانتی ہے۔ آپ کا اتنا خوبصورت ماحول دیکھ جناب سیدہ کے قصیدے کے، اس کے بعد شاید اور قصیدہ آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن جیسے مولا نے مجھے خیرات عطا فرمائی ہے تو دعا دیجیے گا، مالک اب تمام کی ظاہری قبول فرمائے، اور ہر سانس سانس کے ساتھ یہ دعا بھی ہے مالک جو ہمیں ابھی دیکھ بھی رہے ہیں باب الحوائج سے شفا میں، مالک ان سب کو یہ زیارت نصیب۔ سیدہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پڑھنا چاہتا ہوں، مل کے خوبصورت سی صلوات اللہ علیہ۔ بڑی سخی ہے سیدہ، تو 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 بڑی سخی ہے سیدہ، سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، سکی ہے فاطمہ۔ سارے نمازی چہرے تشریف فرما رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آل محمد کے ماننے والوں کی تو کوئی نماز ہی قضا نہیں ہوگی، بے شک بے شک۔ بابا جی ہمارے پاکستان میں قبلہ مولانا اسماعیل صاحب مالک کے درجات بلند فرمائے، وہ اپنی مجلس میں ارشاد فرما رہے تھے کہ میں باہر گیا تو وہاں میں نے نا روتی ہوئی نماز کو دیکھا، میں نے اس سے پوچھا یار تم کیوں رو رہی ہے، اس نے کہا جس کی میں قبول ہوتی ہوں وہ میرے پاس نہیں آتے، جس کو میں نہیں منہ لگاتے وہ نماز ہی علی والوں کی ہے۔ مالک آپ تمام کی عبادات نظر نیاز اہتمام کی اپنی بارگاہ میں مالک شرف قبول فرمائے، کہ لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ میرا رسول وجہ تخلیق کائنات ہے، عرش فرش زمین آسمان تمام چیزیں میرے مصطفیٰ کے لیے خلق کی گئی، اور رب کعبہ کی قسم ایک چیز ایسی ہے جو رسول خدا کو بھی مانگنی پڑی، کہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی فاطمہ، اور اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود، چکی پیستی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ محمد والے محمد۔
की मिस्ताक है। चाचू जी ये घराना ताहिर कितना है, ये घराना पाक कितना है, ये शेर में पता चलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि ये तो मैं भाइयों को सबक सुना रहा हूँ, मुझसे बेहतर जानते हैं। जनाब पाक इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का जहूर 15वें रोज़े हुआ और सरकार दो आलम खुद रवायत फरमाते हैं कि मैं जनाब सैयदा को मिलने गया, मैंने देखा जनाब सैयदा नमाज जहर के लिए हुजरा में गई, अंदर से आवाज़ आई मुबारक हो अल्लाह का दूसरा इमाम हसन मुज्तबा का जहूर। आप देखते कि मैंने देखा जनाब सैयदा भी सजदे में है और जनाब हसन मुज्तबा भी सजदे में है, और फौरन थोड़ी देर के बाद जनाब सैयदा मुसल्ला इबादत में नमाज़ असर के लिए तशरीफ ले गए। तो ये इन्नमा युरीदुल्लाह की जो आयत है ना, इसकी मिसाल है जनाब सैयदा। तो मालिक की कसम मेरी जिंदगी से कीमती शेर है जो आपको हदिया करना चाहता हूँ के आए है हसन बवक्त ज़ोहर, आए है हसन बवक्त ज़ोहर, असर पड़ रही है फातिमा, असर पड़ रही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, बड़ी सखी है फातिमा। किस्मत तो खदीजा की जमाने से भली है, किस्मत तो खदीजा की जमाने से भली है, एक ही दामाद है और वो भी अली है। लाड से खदीजा कहती थी लाड से खदीजा कहती थी रब की लाडली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। मालिक आप सबको सलामत रखे, जिम्मेदार बात करने का आदि हूँ, तमाम मदाहों से सबसे छोटा मदा खान होने की हैसियत से किबला मेरे इज्जत माँ तशरीफ़ फरमाया है, तो मैं घराने के इख्तियार बताना चाहता हूँ। जनाब सैयदा कर रहा हूँ, तू बड़ी सखी है सैयदा, मोहसिन अली है सैयदा, मैं शेर पेश खिदमत है कि रोटी तेरे हाथ की पकी, उलमा मौजूद है जो पूरी आए ना मस्कीन यतीम असीर बन के, उन्होंने हमको बताया है अल्लाह कह रहा है जब भी मुझसे मांगो इस घर का वसीला दे के मांगो, रोटी तेरे हाथ की पकी, रोटी तेरे हाथ की पकी, अर्श तक गई है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, और सिन को छोड़ मर्तबे को दे, सिन को छोड़ मर्तबे को दे, नूह से बड़ी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, और कैसे जाएगा जिना में तू, कैसे जाए गाजिना में तू, दर पे ही खड़ी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। मौला की कसम, मौला की कसम, इस शेर की तमहीर ये खुद शेर है, मैंने वजाहत नहीं करनी, तो शेर पेशे खिदमत है। क्या तकबुल उम्महात से
गया तकाबुल उम्महात से माँ रसूल की है फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा के तू बड़ी सखी है फातिमा सखी है फातिमा मोहसिन अली है फातिमा वो बड़ी सखी है फातिमा बाबा जी जामे सैयदा है मालिक अफसर की ज़ियारत कबूल फरमाए किला एक शहर का देखा गया मंजर अजीब है एक शहर का देखा गया मंजर अजीब है बाबा है शहनशाह तो बेटी है और बीबी पाक जो सहाबी के दरबार में गए थे ना वो विलायत अली के गवाह बन के गए तो अज़ादारों जनाबे सैयदा को अजर क्या मिला के वक्त के इमाम के लिए वक्त के इमाम के लिए आग में जली है फातिमा दो बीबियां दी विच जग दुनिया दे दो बीबियां दी विच जग दुनिया दे ताजीम निराली भैये प्यूट के सक बाल किता है कुल दुनिया को सही ओ एक बीबी हाथ पासे दे रख एज दुनिया तो टुर गई है दूजी कई घंटे दरबार दे विच हैरान खलोता रहिए अज़ादारों आपकी आवाजों की आवाज कम नहीं होनी चाहिए इस्लाम दे दो दरबार दो बीबियां खड़िया रहिया एक धी नबी दी तुझी धी अली दी हिन दो में मामा दिया ओ एक तीन घंटे दूजी कई निर्वारा दे दिया रहिया इन दो में जख्मी विच कबर दे रोंदिया रहिया या हुसैन 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 एक दो या हुसैन दूसरा कितना या नमक लिखना बनावा या हुसैन जल्दी जल्दी।